देखिए मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी, मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है, आप रहते कहाँ हो वो बी टीम है, आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया, पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं, वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, हर रिश्ता मेरे घर में निकाह शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरी मां तहज्जुद गुजार है, हमारे यहां सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। मैं दुनिया के किसी भी बड़े आलिम को लाऊं उनकी मर्जी का, तीन किस्म होते हैं मुसलमान, गैर मुसलमान और मुर्तद। किसी भी बड़े मुसलमान आलिम को लाएं, वो तय कर लें कि इस्लाम से कौन खारिज है। लेट देम नॉट प्रीच इस्लाम टू मी। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया, उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इनका इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम खेला किया, एक बीजेपी थी एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी इज एज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा, बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है, गुनाह खुद करो उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स, बिकॉज मुस्लिम जो है, लेट अस ऑल नो मुस्लिम इज फुल। Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. Niji, main nikah nahi manta hu, baki main sab manta hu. Ye kahan chalega? So he should not, before sermonizing me, he should look inwards. Main aisa react nahi karta. Main kabhi, humne aaj tak kabhi iske bare mein baat nahi ki ki nahi line cross nahi karenge. Lekin wo har baar line cross karte. Every time he crosses the line. अब मुझे पता, अगर मैं आज रिएक्ट ना करता तो रोज होता कि जनाब जी मुसलमान नहीं है, अब जी इस्लाम वाला नहीं है। द बेस्ट थिंग फॉर देम वुड बी टू शट अप नाउ, बिकॉज जितना ज्यादा इस्लाम के डिस्कशन में आएंगे वो तो उन पर आएगा। आई एम अ प्राउड मुस्लिम, आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हिंदू या क्रिश्चियन हमारी नमाज पढ़े, ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ना मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि तुम उनके जो है भजन गाओ या उनके चर्च में जाओ। उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, वी बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन भजन तो वो गाते रहते हैं 24 घंटे, वो तो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। किस जगह है राम जी का नाम कुरान में या हदीस में, आप मुझे बताइए। वो अपना एक नया ब्रांड ऑफ इस्लाम बना के बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला ब्रांड ऑफ इस्लाम। सो लेट हिम नॉट टॉक अबाउट इस्लाम। आई होप दिस इज द लास्ट वर्ड। I will not again issue a statement on these lines. But if he does, then let an alim come and decide ki Islam se kharij kaun hai aur Islam ke hudood ke andar kaun hai. सही है नहीं? उन्होंने ये भी बताया था कि इस्लाम हमें नहीं सिखाता है कि दूसरे मजहब की तंकीद करें। वो जो मेरी बात सुनो, बीजेपी का मुस्लिमों के तेज सबको पता है नेगेटिव, बट आई विल नॉट थ्रो मुस्लिम्स एट हंग्री लायंस। उसको है बेटा, मेरी बात सुनो, जब ये उमर साहब वहां जाते हैं सारे बीजेपी बड़े बुजुर्ग लड्डू को ये अंकल बोलता है, वो अंकल को जाकर बोले, व्हाई डज ही वांट अ पुअर मुस्लिम टू बी थ्रोन आउट एट देम एंड बी लिंच्ड, व्हाई? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। हमने भी झगड़ा किया, 30 साल यहां स्ट्रगल हुई, निकला क्या? मैं चाहता हूं किसी तरीके से हम प्रिजर्व करें अपने मुसलमानों को, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हमारे यहाँ हमारे इस खित्ते के मुसलमान हो।
आई डोंट इन एनी वे एक्सपेक्ट, देखो यार मेरी बात सुनो, जिनके साथ ये बैठे हैं कांग्रेस, क्या है वो शिवसेना, आम आदमी, जो इंडिया अलायंस है, प्रॉब्लम उनका है, देयर इज अ कम्युनलाइजेशन इन देयर कम्युनिटी, नॉट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, ये उनका प्रॉब्लम है. Why are we bringing it at our footsteps? So, do you think communal atmosphere has been created in the valley? नहीं, इससे क्या होगा? इससे तो कोई communal atmosphere, यहाँ 90% Muslims हैं, यहाँ कौन सा communal environment होगा? नहीं, इसको देखो, आज digital world है, यहाँ बयान दिया बिहार वाला देखेगा, अरे अभी तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप देखिए कि ये जो बोल रहा है मुसलमानों की मोहब्बत से बोल रहा है या सुपारी जॉब है बीजेपी का, आप ये देखिए पहले. After all, at the end of the day, जो उन्होंने बोला आपने मैंने नहीं सुना, इसको उत्तर प्रदेश में भी देखा और है भी बड़ा नाम, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुका है. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैंने आज से 2 साल पहले बोला कि पहले उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे. वरना आप मुझे बताइए, अभी पहले इसे पहले 2-3 इशूज आए कम्युनल इशूज, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया. CAA आया, मुसलमान ने रिएक्ट ही नहीं किया. इट डिड नॉट बिकम एन इशू, ही हैज बीन पेड सुपारी कि तू इसको इशू बना. आ गया यहां, हां भाई ये, अब मैंने बोला, अब मैं नहीं बोलता लेकिन मुझे मालूम है कल ये फिर बनाते इशू. सो इसलिए आई विल रिपीट कि आप फारूक साहब पहले इस्लाम को अपने घर में जो है ना, अपने घर में इस्लाम जो है ना इंश्योर करिए, फिर बाकी उनका मजहब ढूंढिए. एंड आई वुड हैव नेवर डन इट, बट तंग आ गया है, इनको आदत हो गई है हर एक पर तनकीद, हर एक पर तनकीद. वो ए टीम है, वो सी टीम है, भाई साहब आपके यहाँ 7,000 लोग मरे 96 to 2002, वो डी टीम है, भाई साहब आपके यहाँ 8,000 लोगों को PSA लगा और वो एक्स टीम है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप आते हैं हमको सवाल पूछते हैं, उनको पूछते नहीं हो, वो एक पूछती है बेचारी. सर अपनी पार्टी ने आपका एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने भी कहा कि हम इन्हें अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतलाक ये भी आई है कि बीजेपी अपनी पार्टी और PC को सपोर्ट करने वाली है इंतखाबात में. नहीं, मुझे तो इतला नहीं दी. अब मेरा भाई मेरी बात सुनो, आपको मैं अगर पूछूं सोर्स क्या है तेरा, हैव यू बीन ऑल्सो गिवन अ सुपारी जॉब टू आस्क मी दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी बेसिस टू दिस क्वेश्चन? आख और कोने के आता प्रीसीस पैटर्न आख तो बोनस पैटर्न वजन मने से बकाच चूस योगरा घोबरा बोने कहा था जेजी प्रसाद प्रसाद के मशहूर बुजा बुचे तात किसन मतलब किफोट छु जे जिंदर उतमत उमन मगर मशन मंस मेशी टार चरती उश्म. इसलिए आज मतलब था कि हाउ विल यू सपोज योकुन, यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम. व्हेन यू गो टू NC यू आर नॉट आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट किलिंग्स, यू आर नॉट आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट PSAs. दैट गर्ल आस्क्ड, आई थिंक 2 million हिट्स हो गए हैं, ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गई है. यू हैव टू लर्न योर जर्नलिज्म फ्रॉम हर. देखो यार, मैं नदामत से कहूंगा फिर भी कि हमें लोगों के पास जाना है, सर झुकाकर नदामत से. बट इफ यू आस्क मी, आई बिलीव वी आर फार अहेड, बट देन एट द एंड ऑफ द डे विद ऑल ह्यूमिलिटी इट इज अप टू द पीपल. एंड दीज स्टेटमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पेड सुपारी जॉब ऑफ द BJP, दीज स्टेटमेंट्स you know are meant to create an environment, right? Or jo maine aapko bola, is it that he has literally a person who I believe is irreligious, jo shirk karte hain aur jahan khud nahi mante hain, wo aaj islam ke thekedar ya islam ke advocate bane hain, is it something he feels about Muslims or is it a paid supari job for the BJP? That I think you should look at. Both could be correct. Maybe he is feeling bad about Muslims, or maybe he is trying to create an environment for the BJP. वो आप दोनों कर लीजिए. मेरे हमारे पीछे क्यों 24 घंटे लगे रहते? तुम तो रहते हो. सर अब उमर साहब का बयान है कि आप बार-बार हमें टूरिस्ट टूरिस्ट कहते हैं, तो अगर आप इतने दमदार लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, आपको झोली फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी अल्ताफ बुखारी से? अल्ताफ बुखारी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है. मैं एक फेलो कश्मीरी मुसलमान से मांग रहा हूँ, वो शिवसेना वालों से तो नहीं मांग रहा हूँ ना, तो वो क्यों शिवसेना वालों से मांग रहे हैं? भला साहब ठाकरे याद है? 92-93 याद है? फर्स्ट प्लान्ड कम्युनल राइट्स, इफ यू डोंट नो, जहाँ एड्रेसेस निकाले गए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में और मुसलमानों को काटा गया, उनसे तो नहीं मांग रहा हूँ ना, अपने भाई अल्ताफ बुखारी से ही मांग रहा हूँ ना.
और तो किसी गैर से नहीं मांग रहा हूँ। वो तो कह रहा है आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है उमर अब्दुल्ला साहब। अई मैं डर गया, मैं क्या करूँ अब, मैं डर गया बहुत, मैं अब क्या करूँ, मुझे मत डरा तू इतना इससे टूरिस्ट से। बाकी एक चीज रियलिटी है, देखो टूरिस्ट जो होता है बहरहाल छोड़ दो, मतलब ही इज अ टूरिस्ट, आई एम से आई कांट, ही इज अ टूरिस्ट, लेट्स फेस इट, ही इज अ टूरिस्ट। यार ओवरऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू लुक एट इट, ही इज अ टूरिस्ट इन द वैली ऑल्सो, राइट? ही डजंट, मी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, वी कैन सिट, वी कैन चैट, यू नो, इन अ कश्मीरी स्टाइल, ही कांट। व्हेन ही गोज टू नॉर्थ कश्मीर, दैट्स अ वेरी पोअर बैकवर्ड एरिया, ही इज टोटली, मतलब फॉर देम इज एन एलियन क्रीचर, फॉरगेट अ टूरिस्ट। और टूरिस्ट तो बेचारा कंट्रीब्यूट करने आता है, वो तो वहां से भी छीन नहीं आया हुआ। इसी पे सर उनकी एक्सपोर्ट पर्सन ने भी कहा कि बोल क्या बोला, बोल उनका नाम है से कैसा मार रहा मखवाड़ वाला। हां टारगेटेड किलिंग हुई है कल राजौरी में, वी स्ट्रांगली कंडेम इट। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये कल रात को हुई है शायद, just hope that everything is fine. Aur to nahi beta kisi ne kuch puchna. Thank you so much sir.